पिक्सल में सराई करते हैं, बाल बाल बचे पिक्सल्स को भी जान है। यहाँ बात करें जोन की, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे जोन पे, कहीं ना कहीं टीम्स क्लोजिंग करेंगी एंड अब जो एक मूवमेंट बनने वाला है, अब जो एक सिनेरियो बनने वाला है, अब जो एक क्लस्टर बनने वाला है, काफी ज्यादा तगड़ा मजा आने वाला है इसके बाद। अब Can you believe that, Harsh? 6 teams, 15 players बचे हुए हैं, but एक भी team, एक भी player, I think अभी तक zone में नहीं है। अभी भी zone से कुछ दूरी पे यहाँ पे सारे players हैं और बिल्कुल open zone है। यहाँ पे survive करना थोड़ा मुश्किल है, but यहाँ पे scout की अगर आप position की बात करते हैं, he got a really good cover। वहाँ पे उनको गाड़ी भी मिल गई, एक पत्थर भी वहाँ पे है। बिल्कुल, अगर आप बात करें यहाँ पे स्काउट की तरफ से वापस, वो जो डीएमआर स्पेशलिस्ट वाली बात मैंने कही थी, कहीं ना कहीं वापस आता देखता है स्काउट, वापस कोशिश करेंगे स्पॉटिंग करने का, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखिए एक्सो की टीम भी ऑलरेडी बैठी है, जो कि पीछे नहीं हटने वाली, जो कि इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली, ट्राई जरूर करेंगे कि चिकन इसके हाथ भी आए। बात करें हम लोग अपने यहाँ पे क्लाउ नहीं की, तो कोशिश करें रोटेशन देने की, ट्राई करें अपनी टीम की तरफ आने की, इकट्ठा होने की, एंड फिर उसके बाद ट्राई करेंगे जोन पे मूव करने। देखिए 35 मीटर 36 मीटर ऑलरेडी सारी की सारी टीम जोन के दूर है, लेकिन यहाँ पे बात करें अपने सांगवान भाई के द्वारा डाउन करते देख रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर बना दे डाउन कर चुके हैं टीम मॉडल का, यहाँ पे आगे उठ सके बिल्ड आउट आ जाएगा इसी के साथ यहाँ पे क्लाउड से दुविधा में है, अगर शॉट लेते हैं तो शायद उनकी पोजीशन भी रिवील हो जाए। F1LS के अगर स्मोकी की बात करते हैं, ग्लोबल स्पोर्ट्स के डाक को फाइनली यहाँ पे वैम्प नॉक करा, एंड टीम आई थिंक फोर्सोन लेक्सटम को भी यहाँ पे मेरे ख्याल से काफी ज्यादा ओपन में गए शॉट दिया, चिकन डिनर के जो चांसेस है उनके सबसे ज्यादा है बिकॉज उनके तीन प्लेयर, बात करें दो प्लेयर वहां पर नॉक पड़े हैं, संभावना बन सकती है वैम को भी यहां पर नॉक करा जाएगा। मावी की तरफ से 5 finishes निकाल चुके हैं, दिस इज गोइंग टू बी द सोल शो जो यहां पे बहुत सारे फैंस इंतजार कर रहे थे। Actually not the last one standing, but Iconic को भी यहाँ पे knock करा जाता है। Fierce अब आखिरी प्लेयर हैं, it's going to be one man versus the world and Fierce versus Soul में Team Soul।